तो अंत भी है, अनंत भी है, रुद्र भी है और संत भी है। तेरे आगे मैं कुछ भी नहीं, मैं 100 बार गलत तो तू हर बार सही। हे शिव, बना ले मुझे खास अपना, न बन पाऊं खास तो बना ले मुझे दास अपना। तो अभी मैं बीच में एक जगह रुका हूँ और टाइम इस टाइम पे हो रहा है 10:45, और सोच रहा हूँ चाय कॉफ़ी पी लूँ कुछ बना के। अब देखना पड़ेगा, अगर हिम्मत हुई तो ही बनाऊँगा, क्योंकि बैग एकदम पैक है, मेरा मन नहीं एकदम खोला खाली दोबारा करने का। तो चलो देखते हैं, जैसा भी होता है, जहाँ तक है करता ही हूँ ट्राई, और फिर निकलता हूँ सीधा अभी नैनीताल जा रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि क्या करना है, आज रामनगर जाता हूँ या हल्द्वानी जाता हूँ, फिलहाल अभी नैनीताल जाता हूँ। सो फिलहाल ऐसा है कि सामान मैंने निकाल दिया है बाहर पूरा, और बैग पता नहीं मेरा क्यों गीला हो गया, शायद पानी वाना मिल गया, बहुत लीक हो रहा होगा, वैसे तो टाइट करके रखा था। तो अब बनाता हूँ, देखता हूँ, चारा बोलता हूँ कि चाय या कॉफ़ी जो भी होता है पीता हूँ, क्योंकि फास्ट है आज, भूख बहुत तेज़ लग रही है इस वजह से। तो चलो करते हैं शुरू तैयारी। सो फिलहाल अभी नज़ारे कुछ ऐसे हैं, अभी हो रहा है पानी गर्म, और ये भी पता नहीं किसी होटल से चुराई थी। सो पानी गर्म हो रहा है, अब देखते हैं। बाकी मैं चाय ही बना रहा हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मेरे पास है नहीं, तो गलत ऑप्शन बोल दिया। अब बाकी स्पीकर अपना छुटकू चार्ज कर रहा था, ताकि वो बैग मैंने इसलिए भाई धूप रखा था ना, गीला हो गया था। टी बैग, ये शुगर चुराई हुई। सो फिलहाल ये भी धो दिया, इसको थोड़ा, ये इसके जो है ये थोड़े गर्म रहते, तो इस वजह से इसको। बाकी ब्लैक टी ऐसे इसमें दो दो बैग इसलिए डाले, क्योंकि ये डार्जिलिंग वाली डाली थी, ये पूरी होनी पड़ी। तो इस वजह से चलिए, जब तक मैं अपनी ब्लैक टी को एंजॉय करता हूँ, आप प्लीज़ जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करने की तैयारी कर लीजिए। चलो सो फाइनली बैकपैक हो चुका है, और इस टाइम पे टाइम जो हो रहा है वो 11:45 हो रहा है, यानी कि 1 घंटा करीब लग गया। सामान वामान सब पैक कर दिया है, अब निकलते हैं फटाफट बिना देर के। चलो बाय बाय। सो फिलहाल इस टाइम पे टाइम जो हो रहा है 1 बज चुका है, और इस पर हल्द्वानी 38 किलोमीटर बचा है, दिल्ली 309 और नैनीताल 9 किलोमीटर। तो सोच रहा हूँ नैनीताल चले जाऊँ, बाकी क्या पता जो भी मेरे को रामनगर के लिए चुनाव के लिए हल्द्वानी होते हुए या नैनीताल होते हुए चेकअप कर, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलो ठीक है। सो फिलहाल ये है सेल्फी पॉइंट भूमिता नैनीताल, नैनीताल जाते टाइम, तो मैं नैनीताल की तरफ ही जा रहा हूँ फिलहाल, तभी इस रोड पे, और अब देखते हैं यहाँ से सेल्फी पॉइंट। सो फिलहाल अभी बाइक मैंने यहाँ रोकी है, वही नैनीताल रास्ते में जाते टाइम मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा, और हुआ क्या था एक्चुअली, मैंने जहाँ मुक्तेश्वर पे जल चढ़ाया था, बट प्रॉपर जैसे मैं चढ़ाता ना, मुझे 5 बार कहता है कि 5 बार 7 बार चढ़ाना चाहिए, तो मैंने वो नहीं करता। हालांकि मैंने गलती से एक बेर खा लिया था, नहीं तो मैं खाली पेट ही जल चढ़ा रहा हूँ। भगवान का प्रसाद था वो, भगवान माफ़ कर दे महादेव, और बाकी इस जगह फिर जल वल चढ़ा दिया एकदम। सो फिलहाल हम आ चुके हैं नैनीताल, और इस टाइम पे नैनीताल का मौसम हो रहा है एकदम मज़ेदार।
बस फिलहाल अभी नैनीताल से नीचे उतरे हैं और अभी कॉफ़ी ऑर्डर कर ली है, यहाँ पे मेरे को ठीक लगा। छोटी सी झील है नैनीताल से नीचे वाली और बाइक वहाँ खड़ी कर दी। अब कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी भी बन गई है, तो चलो कॉफ़ी पीने के बाद मिलता हूँ दोबारा। तो फिलहाल कॉफ़ी पी ली, अब दोबारा से चलते हैं। और मौसम अभी बारिश का तो नहीं लग रहा, काले बादल हो रहे हैं लेकिन उस तरफ हो रहे हैं, इधर तो धूप है पीछे की तरफ। चलो चला जाए। अब मैं नैनीताल से नीचे आ चुका हूँ और ये राइट साइड में जाता है रामनगर की तरफ जिम कॉर्बेट, और मुझे वहीं जाना है। काशीपुर यहाँ से भी सीधा जाते हैं बाजपुर रामपुर, बट मेरे को जो है मेरे को राइट साइड मुड़ना है क्योंकि मेरे को आज जाना है जिम कॉर्बेट। तो फिलहाल अभी जो टाइम है वो 4:15 हो चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब कॉफ़ी पी रहा था तो भी थोड़ी देर रुका था इस वजह से। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर, बाय। सो फिलहाल मेरा ये था प्लान कि मैं कह रहा था अभी टाइम हो रहा है बहन के लड़े, अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और इसका नाम है बुलेट सिद्ध, और मैं यही देखने के लिए आया था। हालांकि मेरी बाइक अभी इस टाइम पर वहाँ खड़ी है तो मैं ज़्यादा ऊपर जाऊँगा नहीं, वहाँ मेरी बाइक खड़ी है, तो मैं यही दिखाना इसी कि मैं आया था रामनगर जिम कॉर्बेट। हालांकि 5 बज चुके हैं, मैं लेट हो गया हूँ, अब सब लोग जा रहे हैं इस टाइम पे, तो अब क्या करता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ फिर नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा बैग भी रखा हुआ है वहाँ पे अभी, और डर यही है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा कहीं कुछ सामान चोरी जाए। वैसे तो चोरी का है नहीं, छोटा बैग मैंने अपना ले रखा है, लेकिन बट फिर भी एक दुकान वाले को तो बोल के आया हूँ। खैर तो फिलहाल इस तरफ से मेला पूरा, और यहाँ पे मेला है पूरा, तो चलो चलते हैं और देखते हैं चीज़ें क्या क्या है। और यहाँ पे पूरा झूला, फिलहाल ये है द्वार सजा रखा है बहुत ही प्यारा, और ये गुल्लर सिद्ध मंदिर के लिए जाता है एकदम, गुल्लर सिद्ध मार्ग मंदिर मार्ग, लेकिन काफ़ी ऊपर है और मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी बाइक नीचे खड़ी है तो मुझे वही डर है, तो फटाफट मैं नीचे जाता हूँ। बाकी जैसा कि बात माता माँ बाल सुंदरी मंदिर ये है तो आप छोटी ब्रांच कह सकते हो। तो फिलहाल भगवान का प्रसाद ले लिया महादेव का, लेकिन इसको मैं सेफ जगह जाके ही पीऊँगा, क्योंकि यहाँ अगर पी लिया तो मैं हवा में उड़ने लगूँगा। चलो चलते हैं अब यहाँ पे चौमिन का स्टॉल, बाकी कुछ कन्याएं शॉपिंग करती हुई, ये दीदी एकदम दीदी नहीं लड़का हुआ नहीं लड़की। अब जिसको पीना हो वो गोली सोडा भी पी सकता है। तो फिलहाल पब्लिक अभी भी आ ही जा रही है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और अभी इस टाइम पे पूरी रोड एकदम चकाचक, हल्का हल्का जाम भी था जब मैं आया था, अब तो हल्की हल्की कम हो गई है क्योंकि 5:30 से ऊपर हो गया है। चलो अब चलते हैं सीधा, यार बाइक मेरे अकेले खड़ी है, मिलता हूँ बाद में, बाय।